लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते को भरवेली पुलिस ने किया भोपाल से गिरफ्तार। आबकारी ठेकेदार राजेश पाठक के द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की मिल रही जानकारी। शहर के रेलवे स्टेशन स्थित निजी अस्पताल परिसर में संचालित आरोग्य मेडिकल स्टोर्स में ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे ने की जांच। नकली दवा बेचने से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कोरोना मरीजों को दी जाने वाली फेविमिक्स 400 एमजी टेबलेट के निर्माता रिथमक फार्मास्यूटिकल कंपनी पंचकुला हरियाणा को किया गया गिरफ्तार, जिसके बाद शुरू हुई जांच। आरोग्य मेडिकल स्टाफ के द्वारा वेरिमैक्स 400 एमजी 10 टेबलेट का एक पत्ता 550 के स्थान पर 2900 रुपए में भी बेचे जाने की मिल रही सूचना। किरणापुर तहसील के जानवा गांव के निवासी 50 वर्षीय अमृतलाल नकपुरी ने किया जहरीली वस्तु का सेवन, इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। अवैध रूप से मोबाइल खरीदी बिक्री के आरोप में कोतवाली पुलिस ने की भटेरा चौकी निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार। आरोपी के पास से जब्त किए गए 15 मोबाइल। मोबाइल खरीदी बिक्री के मामले में शहर के 4 मोबाइल दुकान संचालकों से कोतवाली पुलिस पहले ही कर चुकी है पूछताछ। लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हो रहे शहर के वार्ड नंबर 30 सरेखा शारदा मंदिर क्षेत्र के लोग, बिजली विभाग को दिए जा चुके हैं कई बार आवेदन, नहीं हो रहा है समस्या का निराकरण। खैलांजी थाना के अंतर्गत घोटी गांव में खेत में मिला एक व्यक्ति शेषराम बाहेश्वर 45 वर्ष का शव, 8 जून से लापता था मृतक। वारासुंदी नगर की झुग्गी झोपड़ी में कच्चा मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे लोगों ने भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग की। एसडीएम संदीप सिंह को बताई परेशानी। बालाघाट जिले को मिल सकती है कई ट्रेनों की सौगात। 12 एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का विभाग बना रहा है विचार। ट्रेन संचालन के आड़े आ रहा है सिंगल रूट मार्ग। बहुजन समाज के द्वारा शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित समता भवन में आयोजित की गई शोक सभा, 113 सामाजिक बंधुओं को दी गई श्रद्धांजलि। बरसात के बाद जागा नगर पालिका प्रशासन। जल भराव के बाद हनुमान चौक में जल निकासी के लिए किया गया कार्य, स्थानीय व्यापारी और नागरिकों सफाई को लेकर नहीं है संतोष। लालबरा तहसील में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। 11 जून को पुलिस ने साले निवासी आरोपी को चोरी के वाहनों के साथ घूमते किया था गिरफ्तार। होते ही शहर के वार्ड नंबर 13 गंगानगर में रोड और नाली की समस्या को लेकर परेशान दिखे स्थानीय लोग। नाली की सफाई नहीं होने पर जल भराव की जताई संभावना। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होते ही 15 जून से नए शिक्षण सत्र खोले जाने का किया ऐलान, शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी। शिक्षकों के अनुसार जिले के भीतर 90 शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत, तीसरी लहर को देखते हुए स्कूल खोले जाने पर जताई नाराजगी। लालबरा से गुजरने वाले लालबरा अमोली के बीच राज्य मार्ग पर पड़े जानलेवा गड्ढे, वाहन चलाना हो रहा है लोगों को मुश्किल।